सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के जो सुधार हुए हैं और ये चर्चा में क्यों है। तो इस वीडियो में हम मोस्टली चार टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले कि ये वक्फ होता क्या है, वक्फ संपत्ति क्या है। दूसरा फिर हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, और फिर हम तीसरी बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसमें क्या नए बदलाव करे जा रहे हैं, इनको लेकर के यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए गाइस, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ये वक्फ संपत्ति है क्या, तो हमें उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये वक्फ की मीनिंग क्या होती है। देखिए, वक्फ जो वर्ड आया है ये आपका अरबी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, समर्पित करना या फिर रोकने को लेकर के बात होती है। यानी इसको लेकर के अगर मैं बात कर लेता हूं, इसकी संपत्ति की परिभाषा को लेकर के, तो एक ऐसी संपत्ति जिसे हमेशा के लिए धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए दान किया जाता है। देखिए, यहां पे दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। सबसे पहली बात तो धार्मिक बात हो रही है यहां पे, दूसरा हो रही है सामाजिक उद्देश्य यानी लोगों की भलाई के लिए। और अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे संपत्ति के प्रकार को लेकर के, तो इसमें मस्जिद आता है, कब्रिस्तान आता है, मदरसे और वक्फ संपत्तियों के ये क्या है, ये सारे उदाहरण है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं इसके उपयोग को लेकर के, तो जो वक्फ की संपत्ति होती है इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, वक्फ बोर्ड के पास होता है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं इसकी कानूनी संरचना को लेकर के, तो वक्फ संपत्तियों को व्यक्तिगत दावे से सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो इसको क्या है कि पूरा का पूरा एक राइट दिया गया है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं उसकी सुरक्षा और विवाद को लेकर के, तो वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों और विवादों से सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, तभी इसको काफी सारी पावर दी गई है ना, कि अगर कोई इस तरीके से खुद को चैलेंज ना कर सके कि अच्छा ठीक है ये मेरी प्रॉपर्टी है ऐसे, तो ऐसा नहीं है। और अगर मैं बात कर लेता हूं कि पूरी संपत्ति को लेकर के, तो अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं ना, तो सबसे नंबर एक पे आता है आपका जो इंडियन रेलवे है, उसके पास है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद नंबर टू पे आता है इंडियन आर्मी, और तीसरे पे आता है वक्फ बोर्ड। अब इसको लेकर के थोड़ा सा आगे समझते हैं कि ये वक्फ बोर्ड क्या है। तो देखिए अगर इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है ना, तो उसको डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए कोई ना कोई एक संस्था होगी, तो उसी तरीके से ये वक्फ बोर्ड है जो उसको क्या करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है। तो वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर के बात कर लेते हैं, तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों का प्रबंध करती है, और भारत में विभिन्न राज्यों में राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। यानी कि कोई एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं अलग अलग राज्यों को लेकर के, तो उन राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। अब देखिए वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी क्या होती है। वक्फ बोर्ड मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, अन्य धार्मिक स्थलों की देखभाल और प्रबंध करता है। तो सीधी सी बात यह है कि वक्फ बोर्ड क्या है कि जो इसमें संपत्ति दी गई है, उस संपत्ति पे कहीं पे मस्जिद बनाई गई है, कहीं पे कब्रिस्तान दी गई है, कहीं पे मदरसे हैं, तो और जो धार्मिक स्थल है उनकी देखभाल के लिए किसका यूज करा गया है, वक्फ बोर्ड का यूज करा गया है, और ये इसकी जिम्मेदारी है। अब मैं बात कर लेता हूं संपत्ति का संरक्षण। तो वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे और गलत प्रबंधन से सुरक्षित रखता है। जैसे कि मैंने कहा आपसे पहले भी बताया कि कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है ना, कि अगर वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आकर तो उस पर कब्जा कर ले। तो उसकी देखरेख के लिए, उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया गया है जो उसकी संपत्ति का संरक्षण करता है। अब यहां पर देखिए सरकारी नियंत्रण, तो वक्फ बोर्ड सरकारी नियंत्रण के तहत काम करता है और इसके नियम और नीतियां सरकार के हिसाब से ये रहती है। ठीक है गाइस, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि वक्फ की उत्पत्ति। गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको कई सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो वक्फ का मेन पर्पस है वो ये है कि भाई धार्मिक और साथ साथ यहाँ पे सामाजिक दोनों चीजों को ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पे पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि वक्फ की अवधारणा की उत्पत्ति, यानी वक्फ की अवधारणा इस्लामिक सभ्यता से जुड़ी है और इसकी शुरुआत सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद के समय से मानी जाती है। अब इसको एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। क्या हुआ था कि एक जगह है आपको पता होगा मदीना, ठीक है, जो कि मुस्लिम के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। अब वहां पर क्या हुआ था, पहले की टाइम की बात कर रहा हूं जब पैगंबर मोहम्मद की टाइम की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी,
ठीक है। तो वहां पे पैगंबर मोहम्मद ने कहा था एक कुआं था और वो कुआं पे कब्जा जो था वो यहूदी लोगों का था, तो वो लोग क्या कहते थे कि वो किसी भी और दूसरे लोगों को पानी नहीं भरने देते थे। तो पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा था कि क्या कोई ऐसा है जो इस कुएं को खरीद कर लोगों की भलाई के लिए इसको वक्फ कर सकता है। तो फिर उसके बाद एक प्रॉफिट और थे जिनका नाम था उस्मान, उन्होंने उस कुएं को खरीदा और उसके बाद फिर मदीने वालों को कह दिया कि आप फ्री पानी भर सकते हो। तो ये यहां पे पर्पस हो रहा है वक्फ का, यानी कि सामाजिक उद्देश्य को आपको ध्यान रखना है, लोगों की भलाई के लिए आपको चीजों को इस्तेमाल करना है। अब इसी के साथ अगर मैं बात कर लेता हूं तो मध्यकालीन इस्लामिक समाज में वक्फ, तो वक्फ संपत्तियों का उपयोग मस्जिद, मदरसे, अस्पताल और सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया ये आपसे, अगर कोई संपत्ति है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मुझे ये प्रॉपर्टी लोगों की भलाई के लिए लगानी है, तो अब क्या हो गई, वो वक्फ बोर्ड के पास आ गई और उस संपत्ति पे अगर कोई अस्पताल बन गया, ठीक है, और उस अस्पताल को कौन चला रहा है, वक्फ बोर्ड चला रहा है, तो उसमें जो इलाज हो रहा है वो लोगों का फ्री हो रहा है। तो ये पर्पस है यहाँ पे वक्फ बोर्ड का। अब इसी तरीके से यहाँ पे आगे समझ बात कर लेते हैं कि मुगल साम्राज्य में वक्फ बोर्ड का क्या रहा। तो मुगल सम्राटों ने वक्फ संपत्तियों का विस्तार किया, मस्जिद, मदरसे और जो सार्वजनिक उपयोग की इमारतों के लिए संपत्ति जो है वो समर्पित थी। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूं मुगल साम्राज्य को लेकर के, तो इन्होंने भी इसको बहुत कायदे से बढ़ावा दिया, विस्तार करा इसका, और इसमें इन्होंने मस्जिद, मदरसे और जो कई तरीके की सार्वजनिक उपयोग की इमारतें थी उसमें इन लोगों ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो समर्पित कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मैं ब्रिटिश शासन को लेकर के बात करूं तो ब्रिटिश शासनकाल में वक्फ संपत्तियों के प्रबंध के लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं आधुनिक भारत में वक्फ को देखूं तो 1954 में वक्फ अधिनियम लाया गया था जिसमें वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन को कानूनी ढांचे में लाया गया, यानी पूरी तरीके से उनको कानूनी राइट्स दिए गए। अब गाइस देखिए ये चर्चा में क्यों है, इसको लेकर के यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। अब वो बदलाव क्या है, वक्फनामा की पुष्टि, यानी कि वक्फ संपत्तियों को मान्यता देने के लिए वक्फनामे की वैधता की पुष्टि जरूरी होगी, है ना। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड यहाँ पे क्या कह रही है, ये कह रही है कि अच्छा ठीक है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसको ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि संपत्ति की पहचान, यानी कि किसी की संपत्ति को वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में पहचानने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा राइट किसको दिया जा रहा है, यहाँ पे जिला कलेक्टर को दिया जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड में बदलाव, वक्फ बोर्ड में नए सदस्य शामिल किए जाएंगे जिसमें क्या बताया जा रहा है कि दो महिलाएं होंगी और साथ साथ दो गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इसी के साथ अगर मैं बात कर लेता हूं तो वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाया गया है, जैसे वक्फ बोर्ड की शक्तियां और अधिकारियों का नियंत्रण रखा जाएगा। अब इसके साथ हाल ही में एक केस हुआ, देखिए वक्फ बोर्ड के पास पावर बहुत है इस टाइम में। तो सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंद्री गांव के पूरे क्षेत्र का वक्फ का दावा किया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिससे गांव के लोगों को के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया था। इस दावे पर गंभीर आरोप लगाए गए और वक्फ बोर्ड ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था। सो गाइस ये यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिटेल में समझा और हमने यहाँ पे चार टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लिया है। तो ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों को शेयर करिए जिससे और लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।